उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में निकाय चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चेयरमैन पद की उम्मीदवार बसपा प्रत्याशी शेला खान ने आज अपने कैंप कार्यालय से हजारों समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर तहसील पहुंचकर नामांकन किया। इस दौरान बसपा के आला नेता भी मौजूद रहे। वहीं बसपा प्रत्याशी शेला खान ने मीडिया से वार्ता करके कहा कि पूर्व में रहे चेयरमैन ने विकास नहीं किया बल्कि विनाश किया है, लोगों को नुकसान पहुँचाया है। हमारे मुद्दे वही रहेंगे जो पालिका में आते हैं, जैसे शिक्षा, सफाई, नाले, खरंजे व बेरोजगारी पर ध्यान दूंगी, क्योंकि रामपुर की आवाम बेरोजगार है, यहाँ लोगों के रोजगार नहीं है, सबसे पहले इस पर काम किया जाएगा। रामपुर यूपी से नजीम अली, आजाद टीवी न्यूज। उसका सफाई करना और पर प्रकाश व्यवस्था करना तो उसका काम होता ही है, लेकिन मेरे जो मुद्दे रहेंगे वो साथ में रोजगार भी रहेगा, क्योंकि हमारा जो रामपुर शहर है वो बहुत गरीब शहर है, उसकी बुनियादी ज़रूरत यह है कि उसमें यहाँ पर रोजगार भी होना चाहिए, साथ में सेहत भी होगी और एजुकेशन भी होगी। एजुकेशन के लिए मैं ऐसे स्कूल्स यहाँ रामपुर में खुलवाने की मांग करूँगी जो CBSE बोर्ड से रिकॉग्नाइज हों और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हों। जी जी जी, कमाकल समाजवादी वालों का जो आया जुलूस तो उनको उनके साथ में कोई व्यवहार ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ में सौतेला व्यवहार किया गया, लेकिन ये आप जनता अपने हाथ में लेती है, डेमोक्रेसी है, वो इसका जवाब देगी, उसको जवाब देना होगा, और जो मेरे साथ हुआ है यहाँ पर उसका जवाब डेमोक्रेसी है, जनता देगी। मैं उसके उनके लिए आ रही हूँ यहाँ पर, उनके काम करने के लिए आ रही हूँ।